शेख मोहतरम है क्या इस वक्त? हाँ है इस्माइल, हुआ क्या है बताओगे? उन्हीं के पास जा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो इस्माइल, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, रो क्यों रहे हो? मुझसे पूछो, कोनिया के बड़े बड़े अकलमंदों से ज्यादा सुल्तान के दानिशमंद बनने के लायक है, मगर हुआ क्या? शेख ने होते की कुर्बानी देने पर भी रजामंद कर लिया उन्हें। जादू नहीं है तो और क्या है ये? अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ताया से कह दो कि ताया जान मुझे वो अहम ओहदा चाहिए, वो मंसब जिस पर मैं इस्लाम और दीन के दर्श दे सकूं। देखे तो जरा हुरिया आफा, आपका छोटा भाई जानदार ओगलू इसे दुनिया की हर नेमत से नवाजना चाहता है। कम से कम यही कह दो कि मुझे अपनी दरगाह खोल के शेख तरीकत बनना है, यही कह दो कि तिजारत कर दुकान चाहता हूँ, अराजी चाहिए, कुछ नहीं तो महसूल ही माफ करवा। ये हकीकत का मैदान है यूनुस, इस मैदान में एक चींटी भी हाथी पर चढ़कर उसे जमीन बोस कर सकती है। तो फिर हजरत पैगंबर का उम्मती होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेकामत और नियत भी हजरत अली की तरह होनी चाहिए ताकि उनकी राह पर चल सकें। चूंकि हम सब हजरत अली के पैरोकार हैं इसलिए हमारी राह भी उन्हीं की तरफ जानी चाहिए। तुम जानते हो यूनुस, तस्बीह के इन दानों में भी इमाम होता है। मत भूलो यूनुस, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जो रास्ता ना जाए वो किसी बंद गली की तरह है। हमारी राह बखैर, और काश ये राह हमें हजरत अली तक ले जाए। चलो आ जाओ, वापस चलें बस। इसे कपड़े में क्यों लपेट रहे हैं? कोई इससे डर ना जाए क्या इसलिए? हाँ, इसे देखकर कोई डर भी सकता है। किसे डरने से बचाने के लिए लपेट रहे हैं कुल्हाड़ी को? हम आग के लिए बेजान लकड़ियां काटते हैं, बेजान को काटने से किसी जानदार को खौफजदा नहीं होना चाहिए। क्या दरख्त भी कुल्हाड़ी से खौफजदा हो सकते हैं यूनुस आगा? दरख्त कुल्हाड़ी से खौफजदा नहीं होते, बल्कि कुल्हाड़ी बरदार खौफजदा है कि दरख्त डर ना जाए कहीं। अब मुझे समझ आ गया, इसीलिए हम हरे भरे दरख्त नहीं काटते हैं। बिल्कुल यही सबब है, फिर कच्चा फल पका सकेंगे भला? रूई के गालों की तरह सफेद बुराक और नन्हे मुन्ने से थे। जब तुम्हें यूनुस आफंदी के हाथों खून में लथपथ देखा था मैंने, तो दिल पाश पाश हो गया था। रब्बे करीम ने अपना दस्ते रहमत तुम्हारे नन्हे मुन्ने बेबस वजूद पे रखा तो तुम्हें एक जालिम भेड़िये के जबड़ों से बचा लिया था।
वो जो तुम पहाड़ी से गिरकर यूनुस अफंदी के पास आ गए थे, उसे महज एक इत्तफाक ना समझना प्यारे मेमने। अच्छा जल्दी से खाना खत्म कर लो, फिर चलते हैं फकीर खान ने। कासिम आगा, मैं जरा बाजार तक गया था, इजाजत दीजिएगा। अरे आप क्यों जहमत करती हैं, मैं उठा लेता हूँ। रहने दे, आपको भी जहमत होगी खामखा। बासिम सुल्तान, कैसे कहूं, नाजायज बात नहीं है ये कोई, बल्कि सुन्नत रसूल है। अगर ऐसा ना होता तो पैगंबर आखिर उस जमा खुद शादी फरमाते, और क्या औरों को भी तरगीब देते इस बात की। आप ये बात कर भी किस तरह रहे हैं कासिम आगा, सोचा भी कैसे। आप मेरे भाई हैं, कुछ तो ख्याल कर दिया, कोई लिहाज। आज के बाद से दरगाह में आने वाले मेहमानों की खिदमत यूनुस अफंदी की जिम्मेदारी है। कोई कोताही नजर आई हमारी खिदमत में शेख मोहतरम? तुम्हारे शेख की आंखें हर शेख की खूबियां खामियां देखने के काबिल ही नहीं रही अब कासिम, और अगर देख भी सके तो हमें यकीन है कि कसूर देखने वाली आंख में है। हर राह का एक इख्तिताम होता है कासिम आगा, तुम्हारी राह का भी इख्तिताम हुआ। सरुहान और अयूब की तरफ से शेख मोहतरम के लिए खबर आई है। कौन लाया खबर, ये भी कोई पूछने की बात है। याद आ रहे हैं दोनों पीर भाई, कई माह हो गए देखे, शक्लें नजरों से हटती ही नहीं। दरवेश अली की तरफ से भी खबर आई है, वारना में है वो। वारना कौन से इलाके में वाकई है पीर भाई? बल्गारिया की सरजमीन है, रुमैली में ही है। सब खैरियत से है अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम सरी सालतू के इज्जत माप की खिदमत में है, दरवेश अली ने दो गुजरगाहें तामीर की हैं वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ के ईसाई बाशिंदे भी दुआएं देते हैं जब उन्हें ये खिदमत अंजाम देते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा है। पीर भाई। हाँ? कहा सुना माफ कीजिएगा। कासिम आगा, आप लोगों से मुझे कभी भी कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैंने माफ किया। हमने भी माफ किया कासिम आगा, मगर अल्लाह की अमान में।
इजाजत है शेख मोहतरम? बैठ जाओ आदम। कासिम आगा शेख मोहतरम, उन्होंने अपना सामान उठाया और दरगाह छोड़कर चले गए। हम इन दर व दीवार के मालिक तो नहीं हैं, निगहबान हैं बस आदम। आने वाला खुशी से आए, जाने वाला खुशी से जाए। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए राह गुजर। अहले शहर हमतन गोश हो जाओ, आए दिन के फर्जंद गाजी विगोर ने इज़मीर में लातीनी काफिरों के लश्कर पर फतह पाली है। ऐ अहले शहर बेखबर ना रहना, अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान गाजी ने कित किले को बाज़ंतीनी हाकिम से छीन कर बुर्सा शहर का तीन अतराफ से मुहासरा कर लिया है। जिंदाबाद उस्मान गाजी, अल्लाह आपकी तलवार तेज फरमाए। जिंदाबाद उस्मान गाजी, अल्लाह आपकी तलवार तेज फरमाए। शेख मोहतरम है ना ये? हाँ वही है, हज करके लौटे हैं। हज करके आए हैं माशाल्लाह। मूसा अफंदी, हमारा घोड़ा ले जाओ जरा, हम अहले शहर से मिलते हुए पहुंचेंगे फकीर खाने। इतने अरसे बाद ज़ियारत हुई आपकी।
खुश आमदीद आपको, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद शेख। खुशी हुई। हरम शरीफ की सौगात है शेख मोहतरम। शुक्र, देखना नसीब हुआ। हर हाल में उसका शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। काश मदीना मुनव्वरा ही में वक्त पूरा हो जाता हमारा। आज तो शरबत से तवाज़ो का मौका जरूर दीजिएगा। आइए। अच्छा चलो ठीक है, चलिए भाइयों अपने अपने काम पर चलिए, काम में कोई गफलत ना हो। हम जानते हैं इकराम करना अहले हक की रिवायत है, मगर गुल शरबत बहुत आला था जो हलब में पिया था, ये जान लो। आज मलातिया की सुनहरी खुबानियों का शरबत पीकर देखिए, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। किसी और इलाके में किसी और दिन हम लोगों को बताएंगे कि खुबानी का सबसे आला शरबत नालेहान में। शुक्रिया शेख मोहतरम। मुसलमानों पर है जमाना बुरा मुसल्लत, हलाल बेवकत हराम हो गया बेश कीमत। कुरान सुनाओ तो कर लेते हैं कान बंद, शैतान के जेलों की कुव्वत हुई बुलंद। मैं नोशी और गुनाह फैला चारसू फसादियों को जाहिल करे झुक झुक सलाम कुबकू। चाहे कोई भी सुनाए वाही तबाही बात, और चाहे उसके कहे अल्फाज हो मशहूर बतौर हुज्जत। तुलबा और असाज़ा भी है बाहम दोस्तों गिरेबान, औलाद माँ बाप को इज्जत दे न मान। फकीर हुए मिस्कीनी के हाथों बेबस मजबूर, दिलों पर छाई बातिल की हैबत भरपूर। पैगंबरों के मोतकिद औलिया के जानशीन, रहमत के नहीं वो बने ज़हमत के अमीन। चुप हो जाओ ए गाफिल शख्स चुप, कैसे गुस्ताखाना शेर हैं, शेर नहीं शिर्क से भरे टोकरे हैं। खुदा जाने कहां से सुनकर आ गया, इंतहाई शिर्की अल्फाज हैं। क्या है ये, पैगंबरों के वारिस औलिया के जानशीन, कभी सुना है हमें ऐसे शिर्की दावे करते हुए? शायरी है ये तो शेख मोहतरम। शायरी नहीं काफिराना दावे, आइंदा ऐसे शेर मत पढ़ना। खल्क के मुकद्दसात और काबिल एहतराम शख्सियत के खिलाफ कुफर भक के घटिया शेर कर लिए बस। कौन है इन शेरों का शायर? कौन गुस्ताख है जिसने ये कुफरिया अशार ढाले हैं? यूनुस नाम है, एक दरवेश है शेख मोहतरम। बाजारों में गली कूचों में उनका कलाम सीना बसीना फैल रहा है। कौन सी दरगाह से ताल्लुक है इस यूनुस का? यूनुस एमरे कहलाते हैं वो दरवेश शेख मोहतरम, अपने नालेहान के ही हैं। दाबदू कैमरे की दरगाह से ताल्लुक है उनका। मूसा तुम जरा दरवेशों को फकीर खाने ले जाओ, हमें एक खास काम से जाना है कहीं। लेकिन शेख। मूसा अफंदी, अताहत ही पहला सबक है, तुमने कभी सुना नहीं हमसे या अहमियत नहीं दी इसे? शेख
चलो जाओ।
हाजिर हो सकता हूं शेख? ताकुब करते आए हो हमारा मूसा? बहुत माजरा चाहता हूं, आपके जाने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया, बस चुपके से आपके पीछे चल पड़ा। उस दीवाने ने जो शेर सुनाया उस पर गुस्सा होंगे आप यकीनन, इसलिए मैं लोगों से रास्ते में मालूमात लेता हुआ आया हूं। कैसी मालूमात मूसा? दरगाह से मुतालिक शेख साहब, ताब्दू कैमरे तो आज से 20 बरस पहले ही वफात पा चुके हैं। लाइए शेख साहब, मैं उठा लेता हूं, लाइए दे दीजिए। दिल खुदा का तख्त है, क्या शेख ने नहीं फरमाया कासिम आका? आप कल के आने वाले नौ आमूज अपने तकबर में अंधे होकर आज हमें दरवेशी सिखाने खड़े होकर यूनुस अफंदी, हम तो वो हैं जो हक की खातिर किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। काजी यूनुस अफंदी जो चाहे दरगाह में कहते फिरे, हम मान लेंगे क्या? अस्तग़फिरुल्लाह कासिम आका, क्या मतलब है इस बात का कि नमाज का कोई फायदा नहीं? हमने बस इतना कहा कि दानिश्ता किसी का दिल दुखाने वाले की नमाज किस काम की? अगर आपने ये कुफ्रिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इनकार ही कहलाएगा यूनुस। अस्सलाम कौन है? हाजिर हो सकता हूं शेख, मूसा आपका खादिम। कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं, खैरियत है? शेख मोहतरम, हज से आपकी वापसी का सुनकर हमारे कई भाई यहाँ जमा हो गए हैं, आपकी जियारत करके आपकी दस्त बोसी करना चाहते हैं, आपसे खैर की दुआओं के तालिब हैं। कौन कौन है? ताजिर उमर अफंदी, सराफ हुस्नु अफंदी और दीगर मारूफ अफराद भी हैं। सलाम कहो उन्हें हमारा, कहो दुआओं में शामिल हैं आप सब हमारी, कुछ वक्त तन्हा रहना है। आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरे लिए कोई और हुक्म शेख? होगा तो बता देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द और शुक्र तमाम आलमीन के रब अल्लाह ही के लिए है। ये तहरीर लिखने वाला फकीर हाजी यूसुफ का बेटा दरवेश आदम अफंदी है। जो भी इसका मुताला करे वो जान ले कि इसका मकसद अपनी बड़ाई करना या सच के साथ झूठ मिलाकर पेश करना नहीं। इन सत्रों के लिखने का वाहिद मकसद ये है कि हर इलाके से, हर सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले पीर भाई ताब्दू कैमरे की दरगाह आकर शेख मोहतरम की सोबत से नसीहत हासिल करने के लिए बजाते खुद मौजूद नहीं रह सकते। लिहाजा सोचा गया कि एक ऐसी किताब मुरतब कर दी जाए जिससे ना सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी हर मुमकिन हद तक इस्तिफादा कर सकें। पीर भाइयों की तरफ से यूनुस अफंदी ने शेख मोहतरम को एक तजवीज पेश की। शेख मोहतरम, क्यों ना आप एक किताब इनायत करें हमें। जिस वक्त भी आप महफिल सजाएं या जब कोई नसीहत इरशाद फरमाएं, दरवेश उसे अपने पास कलम बंद कर लें। दरवेशी की राह क्या है, हमारे तरीके के असरार व रमूस, तावीलात, ताबीरात, आदाब व उसूल और हमारी राह की तमाम बुनियादी बातें अवामी जबान में इस तरह लिखी जाएं कि पढ़ने वालों के लिए फायदामंद साबित हों। शेख मोहतरम, हम तो बिल्कुल अनपढ़ भी हैं और नीम नाबीना भी यूनुस। बेहतर तो ये होगा कि दरवेशों ही में से ये सलाहियत रखने वाले आदमाबंदी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। उम्मीद है कि अहले हाल में ये किताब मकबूल होगी और हक की राह के तालिबों को फायदा पहुंचाएगी और हमारे दुनिया से रुखसत होने के बाद भी पढ़ने वाले हमें अच्छे अंदाज में याद करेंगे। कलम तुम्हारा हक लिखे, इश्क तुम्हारी रोशनाई बने, हमेशा बस इश्क से इश्क तहरीर करना। तुर्क जबान से खुद को कभी दूर न करना। जब लिखना तो आसान और वाज़ह लिखना, हकीकत मग़ज़ है गोया, बाकी सब अखरोट के छिलकों की तरह है बेफायदा। फजूल लफाजी में अपना वक्त रायगा न करना। कासिम आका जो दरगाह छोड़कर चले गए थे, उस वाकये को अब 3 मौसम सरमा बीत चुके हैं। शेख मोहतरम, अब क्या हो गया मूसा अफंदी? तवील सफर से वापसी पर आपकी थकन के ख्याल से बावर्ची हुस्नो अफंदी ने दाल का शोरबा तैयार किया है और उसमें अंडे भी डाले हैं। पी लीजिए, थकन और नकाहत दूर हो जाएगी। हमें कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो मूसा, बस फिलहाल और कुछ नहीं चाहिए। और तो कोई हुक्म नहीं शेख मोहतरम, होगा तो बता देंगे। तुमने दरगाह के लिए अच्छी लकड़ियां लाने के लिए किस कदर मेहनत की यूनुस, मगर इसके बावजूद उन्होंने तुम्हारी मेहनत को एक लम्हे में रौंद दिया, वो भी सब दरवेशों के सामने।
यूनुस अफंदी को दरगाह छोड़े हुए देखते ही देखते कितने साल बीत गए। दयार दयार फिरते रहे यूनुस अफंदी। कोनिया के रास्ते वो अयूम ताप गए, फिर हलब से होते हुए वो शाम पहुंचे, और फिर शाम में कुछ अरसा रहकर वो अनातोलिया वापस आ गए। शर्मा हुजूरी में दुआ मांगने वाले को कैसा झोली भरकर नवाज दिया तूने, कोई शक नहीं तेरी कुदरत बेहद व बेहिसाब है।